सो हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज के व्लॉग में अभी मैं खड़ा हूँ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बिल्कुल सामने, और मेरी ट्रेन है नई दिल्ली से लेके कालका के लिए। तो जो ट्रेन का टाइम है वो है 7:40 पे, वो है शताब्दी एक्सप्रेस, जो कि मुझे सिर्फ 4 घंटे में पहुँचाएगी दिल्ली से लेके कालका। और इसके स्टॉपेज भी बहुत कम है। पहला स्टॉप पानीपत है, फिर कुरुक्षेत्र, अम्बाला, उसके बाद चंडीगढ़ और फिर सीधा कालका। तो बहुत ही अच्छी ट्रेन है ये। तो आज के व्लॉग में मैं आपको यही एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में जो बेल आइकन बना है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली मेरी जितनी भी वीडियोज़ हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए इस वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। तो फ्रेंड, सबसे पहले स्टेशन के अंदर एंटर करता हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, अभी जो मेरे पीछे प्लेटफॉर्म दिख रहा है यह है प्लेटफॉर्म नंबर 16, और मेरी जो ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 या 2 पे लगेगी। अभी मैं उसी साइड जा रहा हूँ, तो प्लेटफॉर्म उस तरफ है, तो अभी मैं चलता हूँ प्लेटफॉर्म की तरफ। मैं टाइम से 1 घंटा पहले आ गया हूँ। अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 6:40। जैसे ही मेट्रो से उतरते हैं तो प्लेटफॉर्म नंबर 16 आता है सामने, और जो मेरा प्लेटफॉर्म है ट्रेन के लिए वो है 1, तो आगे जाना पड़ेगा अभी। बहुत ही ज़्यादा शोर मचा हुआ है यहाँ स्टेशन में। तो गलत शताब्दी ट्रेन पकड़ लेता, क्योंकि वो वाली जो ट्रेन है वो सिर्फ अमृतसर जा रही है, और मेरी वाली जो ट्रेन है वो यहाँ पे आने वाली है अब प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। पर जो मुझे मैसेज आया था उस पर लिखा था प्लेटफॉर्म नंबर 1, पर बच गया आज। और अभी यहाँ से प्लेटफॉर्म नंबर 2 से ट्रेन गई है, तो अब मेरी ट्रेन आएगी। तो चलता हूँ मैं प्लेटफॉर्म की तरफ। फाइनली ट्रेन आ गई है, अभी ये प्लेटफॉर्म पे लग रही है। अभी चल रहा है C12, जो मेरा बॉक्स है वो है C4, और मेरी सीट नंबर है 13, तो अभी उसी साइड जा रहा हूँ। तो फाइनली सीट पे बैठ गया हूँ। मेरी जो सीट नंबर है वो 13, वो है नॉन विंडो, बट जो यहाँ पे सीट नंबर 14 वाले हैं वो आए नहीं हैं, तो इसलिए मैं विंडो सीट पे बैठ गया हूँ अभी।
फ्रेंड्स, जो मेरी विंडो सीट थी वो चली गई है क्योंकि वो सीट अंकल की थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो अंकल ने अपनी सीट ले ली और अब मैं आ गया हूँ आयल सीट पे। और ट्रेन में आते ही पहले मिला है ये न्यूज़पेपर, वो अंकल जी पढ़ने वाले हैं और मैं बस नज़ारे लूँ देखूँगा आसपास के। फ्रेंड्स, मैं तो अभी सो गया था, अब आया है ब्रेकफास्ट, तो पहले ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट में ब्रेड, कटलेट और जूस, मैंगो जूस। फ्रेंड्स, अंकल ने मुझे विंडो सीट जो है वो दे दी है, तो मैं विंडो साइड पे और अंकल अभी नाश्ता कर रहे हैं। मैंने तो अपना ब्रेकफास्ट कर लिया, तो अभी फिर से कुछ आया है, देखते हैं क्या आया है। और ट्रेन जो है अपनी वो पानीपत से आगे जा रही है अब। फ्रेंड्स, ये जो भैया है बहुत ही बढ़िया है, इन्होंने पूछ लिया क्या चाहिए और मैंने कॉफ़ी मांगी थी तो इन्होंने कॉफ़ी दे दी मुझे। तो अभी जो अपना अगला स्टेशन है वो है कुरुक्षेत्र। ये पहुँचेंगे कुरुक्षेत्र, आधा घंटा लगेगा। कैसा लगा अंकल खाना? एकदम फर्स्ट क्लास। फ्रेंड्स, अभी ब्रेकफास्ट हो गया, अब आइए कॉफ़ी और आधे घंटे बाद आ जाएगा कुरुक्षेत्र जहाँ पर हुई थी महाभारत की लड़ाई। फ्रेंड्स, ये है इजी टू मेक कॉफ़ी, अभी पहले कॉफ़ी बनाते हैं। इसमें सिर्फ गर्म पानी मिलाना है और कॉफ़ी हो जाएगी तैयार। कॉफ़ी भी आ गई, इसमें पहले रेडी टू ईट सामान डाल दिया था, अब इसमें गर्म पानी डल गया है। ट्रेन के हिसाब से बहुत अच्छी कॉफ़ी है ये, मैं कॉफ़ी इंजॉय करता हूँ। फ्रेंड्स, अभी महाभारत की नगरी जहाँ पे महाभारत हुई थी कुरुक्षेत्र, वहाँ पहुँचने वाले हैं। स्टेशन के आउटर में ही आऊँ, थोड़ी देर में हम शायद प्लेटफॉर्म के अंदर पहुँच जाएंगे। और ये आ गया प्लेटफॉर्म। यहाँ
पे 2 मिनट का स्टॉप है, फिर इसके बाद यहाँ के बाद ट्रेन रुकेगी सीधा अम्बाला। और जो टाइम है वो हो रहा है 9:30। ट्रेन बहुत ही ज़्यादा अपने टाइम की पंचुअल है ये वाली। मैं दिल्ली से चला था 7:40 पे और 2 घंटे से भी कम में पहुँच गए हैं हम कुरुक्षेत्र। और अंकल बातें करते करते अम्बाला के एंड पहुंच गए, पता नहीं लगा क्यों कर पता लगा। अंकल बहुत मस्त अंकल हैं, बहुत गप्पे मार रहे हैं। फ्रेंड्स अभी चंडीगढ़ आने वाला है तो ट्रेन में हलचल शुरू हो गई है क्योंकि बहुत सारे लोग चंडीगढ़ में उतरने वाले हैं। अरे अंकल को भी चंडीगढ़ ही उतरना है। चंडीगढ़ से मुझे पंचकुला जाना है। अच्छा पंचकुला जाना है। पंचकुला कौन रहता है वहाँ? मेरे रिश्तेदार है, लेने आएंगे स्टेशन। अच्छा स्टेशन लेने आएंगे। फ्रेंड्स अभी चंडीगढ़ आ गया और ट्रेन में बहुत ज़्यादा हलचल, बहुत सारे लोग उतरने वाले हैं। अभी मुझे मिले हैं सुधीर अंकल, तो ये भी जा रहे हैं सोलन। तो ये मुझसे डिटेल्स पूछ रहे थे कि कैसे जाएं सोलन, तो अंकल को मैं बस तक अपने साथ ही लेके जाने वाला हूँ। और अंकल जाने वाले हैं जटोली टेंपल, जटोली मंदिर, तो सोलन में जो कि बहुत ही फेमस है। और वो आपको पता है अंकल, एशिया का हाईएस्ट शिव मंदिर है। हाँ हाँ मैंने सुना है, एशिया का हाईएस्ट शिव मंदिर है। हाँ जी हाँ जी, तो किसी ने हमें उसकी महानता बताई है, इसीलिए हम वहाँ जाना चाह रहे हैं दर्शन के लिए, स्पेशली वहीं जा रहे हैं। उसके बाद हम कसौली भी जाएंगे, एक रात हमें सोलन रुकना है, हिमांशी रिसोर्ट करके है कोई, उसके बाद हम कसौली जाएंगे। तो सोलन से कसौली भी कोई कन्वेंस है? सोलन से कसौली मिल जाता है, बसेस मिल जाती है। नहीं वो तो कह रहे हैं सोलन के प्रॉपर माल रोड है, कुछ माल रोड है क्या? होटल हिमांशी रिसोर्ट है माल रोड पर, हिमानी हिमानी ठीक है, समझ गया मैं। रहने हिमानी वही पे हो क्या? घर है मेरा। ओह वेरी गुड, हिमानी रिसोर्ट आपने बहुत बढ़िया गाइडेंस दे रहे हो। माल रोड दी माल रोड हिमांस रिसोर्ट सोलन द माल रोड हिमानी MANI यस हिमानी रिसोर्ट। हां तो ये दूर पड़ेगा? नहीं ये तो जैसे आप उतरोगे ना बस से, तो वहां से आप एक ऑटो करना, वैसे वो भी 500 मीटर ही है। अच्छा अच्छा, एक आप ऑटो करना आपको सीधा वहीं उतारेगा जहाँ पे ये सोलन बस स्टैंड से। सोलन बाईपास उतरना है आपने? देने, देने, सोलन बाईपास। अच्छा। जटोली मंदिर होगा वहाँ से, यहाँ से हमारी 8 या 9 किलोमीटर 8 होगा। अच्छा फिर वहाँ से तो कोई कन्वेंस करनी पड़ेगी। हाँ वहाँ से कन्वेंस करनी पड़ेगी। कहते हैं सोलन वगैरह में कन्वेंस की बड़ी प्रॉब्लम है, टैक्सी मिलो या तो, ऐसा नहीं है? ऑटो चलते हैं वहाँ पे, और ऑटो नहीं भी मिलेगा तो हर 10-15 मिनट में बस ही चलती है। मंदिर तक जाएगी? मंदिर के नीचे आपको उतारेगी। हाँ। नीचे से आपको ऐसे ऊपर दिखेगा कि मंदिर है, तो पैदल जाना पड़ेगा। फिर पैदल मैंने सोलन बाईपास भी आपको बता दूंगा। अच्छा बस में अमासा से जाएंगे? हाँ जी। और सोलन बाईपास, अच्छा, और वहाँ से आपने ऑटो करना है, वहाँ से 500 मीटर ही दूर है हिमानी का, हिमानी रिसोर्ट। अच्छा ऑटो से सोलन बाईपास से 500 मीटर ही दूर है। तो फ्रेंड्स अभी जो साथ वाले अंकल थे वो चले गए, तो मुझे दूसरे अंकल मिल गए और आंटी, तो इनके साथ गप मारते मारते चंडीगढ़ से कालका पहुंचने वाले हैं। अब ट्रेन भी फिर से हलचल शुरू हो गई है क्योंकि ये जो स्टॉप है ये ट्रेन का लास्ट स्टॉप है कालका, तो आसपास के जितने भी लोग हैं तो वो सारे लोग अभी अपनी सीट से उठ गए हैं।
और ये जा रहे हैं कालका। तो अभी मैं भी चलता हूँ उस साइड। फाइनली कालका पहुंच गए और बहुत ही ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे। जैसे ही घर जाऊंगा हिमाचल तब आएगा मज़ा। स्टेशन बहुत ही ज़्यादा खाली है क्योंकि इस टाइम पे ज़्यादा ट्रेन नहीं चलती है यहाँ पे। कालका पहुंच गए और मज़ा आ गया इस जर्नी का। बहुत ही अच्छी ट्रेन थी, साफ़ सुथरी। तो आई होप कि आपको ये जो वीडियो है ये पसंद आई होगी। तो मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।